देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। संगीत और मेडिटेशन के अनूठे संगम ने सभी को किया भाव विभोर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस संध्या में परमात्म संगीत और ध्यान ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई भाव विभोर होते नजर आए। ब्रह्मा कुमारी इसकी कला संस्कृति प्रभाग की ओर से यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में गायक हरीश मोयल की संगीत की पूरी टीम ने अपने गीतों से सबका दिल जीत लिया। वंदे के अल्लाह के बंदे हंसते अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे हंसते जो भी हो कल फिर आए अल्लाह के बंदे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता नरेश बाबू पुगलिया, चंद्रपुर की प्रथम नागरिक राखी ताई समेत कई दिग्गज मंच पर आसीन नजर आए। कांग्रेस नेता नरेश बाबू पुगलिया ने कहा कि पूरे विश्व में अब मिसाइल से लड़ाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में ये संस्था ही एकमात्र अमन चैन और शांति ला सकती है। आज विश्व में क्या चल रहा है, चाहे रशिया रहे, यूक्रेन रहे, किस प्रकार की लड़ाई, तलवार की लड़ाई, बंदूक की लड़ाई, तोपों की लड़ाई का जमाना गया है, ये मिसाइल का लड़ाई का जमाना आया है। ऐसे वर्ष ऐसे अवसर पर इस देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे, इसलिए यह संगठन काम करता है। दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज हुआ। पूरी सभा में बैठे लोगों ने अपने मन की ज्योत जगाई। देशभक्ति के गीतों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस संध्या को और भी खूबसूरत बनाने में मुख्यालय से आए बीके सतीश का भी योगदान रहा। मौके पर संस्था की पूर्व प्रशासिका दादी प्रकाशमणि को दिल से याद किया गया। वही हाल ही में चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने अपना पार्थिव शरीर त्याग किया, उन्हें भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही एक मिनट का मौन रख कर मेडिटेशन भी किया गया। ये जो देश है तेरा। इस मौके पर कला संस्कृति प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके प्रेम, मुंबई से आई गामदेवी सेंटर की प्रभारी बीके नीहा, गढ़चिरौली की संचालिका बीके नलिनी, कला संस्कृति प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके कुंदा समेत कई और बीके सदस्य मौजूद रहे। मौके पर बीके प्रेम ने आध्यात्मिकता का महत्व स्पष्ट किया। परम पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान हम सुने तो ऐसा करने से अवश्य ही हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है वो पुनः उजागर होगी। पुनः हम जो स्वर्णिम भारत की आज बात कर रहे हैं, अवश्य ही वो स्वर्णिम भारत आएगा, वो हमारी गौरवशाली संस्कृति फिर से हम सबके बीच में आएगी। मन को पॉजिटिव थॉट्स से भरने से जीवन बनता है खुशनुमा। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर अलीराजपुर में संतों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में गीता ज्ञान, खुद को श्रेष्ठ व खुशनुमा बनाना, इस चीज को लेकर चर्चा हुई। मन को अगर सकारात्मक विचारों से भर लिया जाए तो जीवन खुशनुमा बन जाता है। इस अवसर पर महाराज घनश्याम दास जी ने कहा कि बच्चों के संस्कार में माताएं विशेष रोल निभाती है। तो इसमें योगदान हमारी माताओं का होना है। माताएं ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं देकर उनको विदेशी संस्कारों में डालती हैं। तो अपना निर्माण इससे नहीं होना है। आज माताओं को अपने बच्चों को संस्कार घर से ही देंगे। इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने बताया कि गीता में वर्णित है काम विकार नरक का द्वार है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र तवर शामिल हुए। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी भी उपस्थित रही। भोपाल के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब के भोपाल रीजन 2 के द्वारा वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीके डॉक्टर प्रियंका ने म्यूजिकल एक्सरसाइज द्वारा सभी में उमंग उत्साह भरा।
बीके हेमा ने संकल्पों की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान समय कैसे हम अपनी दैनिक दिनचर्या में राजयोग के ज्ञान से स्व सेवा और समाज सेवा को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। कार्यक्रम में पूर्व काउंसिल चेयरपर्सन कुलभूषण मित्तल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप धारीवाल समेत लायंस क्लब के कई मेंबर्स मौजूद थे। ब्रह्मा कुमारीज की लुधियाना सेवा केंद्र पर विश्व खुशी दिवस के मौके पर खुशियां बांटने के लिए सराभा नगर के रेड क्रॉस भवन, थरीके के वृद्धाश्रम, हैबोवाल कला के ग्रीन वैली में और लुधियाना में नौजवानों एवं शिक्षकों के लिए एक समारोह का आयोजन हुआ। कहीं युवाओं के लिए रैली निकाली गई, तो कहीं वृद्धाश्रम में कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईपीएस स्कूल के डायरेक्टर संधू और सरस्वती मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल प्रिया सैनी समेत कई और दिग्गज उपस्थित रहे। बीके नीलिमा ने सभी को परमात्मा का संदेश दिया और मेडिटेशन कराया। खुशी की लाठी प्रस्तुति द्वारा प्यार का संदेश भी दिया गया। विश्व खुशी दिवस पर नौजवानों के जीवन में खुशी के रंग भरने के लिए एक खुशी की रैली भी निकाली गई। ब्रह्मा कुमारी संस्था लुधियाना की इंचार्ज बीके सरस्वती ने जीवन में खुश रहने की विधियां बताई। राजगढ़ जीरापुर के खारखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय खुशनुमा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस मौके पर राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु के नेतृत्व में गांव में महिलाओं की रैली निकाली गई। इस अवसर पर सारंगपुर सेवा केंद्र संचालिका बीके भाग्यलक्ष्मी ने कहा कि आज के समय में मनुष्य के चेहरे से खुशी गायब हो गई है। कार्यक्रम में नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में कई बीके सदस्य मौजूद रहे। इंदौर में साधना न्यूज चैनल मध्य प्रदेश के द्वारा बीके आयुषी को विमेन अचीवर्स अवार्ड 2022 से नवाजा गया। इस अवसर पर इंदौर के सांसद शंकर ललवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा, सेंट्रल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चेयरमैन विजय कुमार दास ने बीके आयुषी को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही बीके आयुषी ने मध्य प्रदेश के जेल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया और साधना न्यूज चैनल के स्टाफ को माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। जयपुर के जादौन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसुया के सानिध्य में कृष्णा नगर बीके पाठशाला में शिव संदेश रैली व स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदुस्तान युवा क्रांति दल के प्रदेशाध्यक्ष गौरव सिंह देवल ने कहा कि राजयोग तन एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जिसे जन तन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। वही बीके सनुसुया बीके कला समेत अनेक सदस्यों ने अपने अंदर के विकारों का त्याग करने की प्रतिज्ञा कराई। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर झाड़ेश्वर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य शैला पटेल, अहमदाबाद से बीके शारदा, प्रभारी बीके प्रभा ने महिलाओं को अपने अंदर के गुणों और शक्तियों को पहचान, उसे निखारने का और स्वयं को सशक्त बनाने का संदेश दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।